गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अंडरस्टूड? यस्टरडे आई वाज स्टडी सॉरी यस्टरडे आई वाज टीच अबाउट मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। Now I will discuss about how convert one state to another state. Clear? आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है विथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। विथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से प्रभावित होकर या टेम्परेचर के प्रेजेंस में कोई मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हम लोग उस चीज की स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो तीनों स्टेट का कन्वर्जन है एक दूसरे में रिवर्सिबल कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीनिंग कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग ऐसे देखते हैं, ध्यान दीजिए, रिवर्सिबल का साइन है रिप्रेजेंटर, मींस सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में। क्लियर? ये समझना है कि अगर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना, तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है व्हाट इज माय मेल्टिंग पॉइंट, कहते हो कि अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। दूसरा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू गैस, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट कोई डिफिनेशन पूछे तो कह दो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? हमारा गैस किसमें चेंज आ रहा है? लिक्विड में। तो जब गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो आपने पीछे पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से रिजिड होते हैं। तो जब इसको हीट कर रहे हैं तो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज आ रहे हैं, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। लिक्विड जो है, लिक्विड के पार्टिकल का डिस्टेंस सॉलिड से दूर है बट गैस से कम है। फिर जब इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो गैस पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, तो हमारा इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कह देते हो। क्लियर? लेकिन जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो पार्टिकल्स को कंडेंस करें, तो जब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन याद रखना, इस प्रोसेस को क्या कहते हो? कंडेंसेशन। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड चेंज रहता है सॉलिड में इसको क्या कहते हो? बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हो? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक तरह से कह सकते हो कि जब गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब कूल कर रहे हैं, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं। क्लियर? तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं कूल कर रहे हैं, हम लोग यहां भी कूल कर रहे हैं। कूल करने का मतलब इस केसेस में हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इस केसेस में टेम्परेचर कम कर रहे हैं। क्लियर? तो मींस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा कि किसी मैटर का जितना मेल्टिंग पॉइंट होगा उस पे सॉलिड लिक्विड में चल जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वो बॉयल होना होगा उस पे बॉयल होकर किस में चल जाएगा? गैस में चल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको उस टेम्परेचर तक कूल करना पड़ेगा जहां पर कंडेंस होकर किस में हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फिर लिक्विड को उस टेम्परेचर तक हम लोग क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे या फ्रीज करेंगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, फिर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए तो सॉलिड में चेंज हो जाए। क्लियर? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आपको कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है तो कहोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट्स।
दे देगा कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर आपसे कोई पूछे वर्ड में कंडेंसेशन, तो कह दोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नोन एज क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट्स कहलाएगा। क्लियर। एक और हमारा कंडीशन होता है कि एक टेम्परेचर देने पे कुछ मैटर एक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं, डायरेक्ट हीट करने से सॉलिड से किसमें चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। क्लियर। मींस ऐसा मैटर का प्रॉपर्टीज है कि जब उस मैटर को हीट करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चला जाता है, गैस में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर। तो कह सकते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस का जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो सबसे पहला एग्जांपल सब लोग लिखोगे कम्फोर, कम्फोर मीन्स कपूर। दूसरा हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सो क्या कहते हो, अमोनियम क्लोराइड। तीसरा आप एग्जांपल दे सकते हो आयोडीन। क्या दे सकते हो, आयोडीन। आयोडीन भी हमारा एक तरह क्या है, हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस को लाइक करता है। अब एक्सेट्रा आपको याद होना चाहिए। क्लियर। मीन्स अब एक चीज पूछा जाता है यहाँ से कि कोई ऐसा भी मैटर है कि जो तीनों स्टेट में मिलता है। जी हाँ, वाटर। वाटर एक ऐसा मैटर है कि जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिलता है। क्लियर। जैसे देख लो, वाटर अगर आइस के फॉर्म में है तो हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। अगर ये आइस से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड, तो लिक्विड में हमारा क्या होता है, वाटर होता है। और जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो वाटर एक ऐसा मैटर है कि जो तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में मिलता है। क्लियर। दो चीजें और नोटेड करना कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऐसे लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। क्लियर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर। एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वाटर का किस टेम्परेचर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, तो बता देना 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर। तो अगर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी पूछा जाए तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर। थैंक यू।